तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्रिकेट विद चेतन पे। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मुकाबला, जो आज रात को खेला जाएगा। अगर पिछले मैच की बात करें तो हमारा मैच काफ़ी अच्छा गया था, और बारिश के कारण मैच हालांकि 12 ओवर का हो गया था, पर फिर भी हमने एक अच्छी टीम बनाई। पर कुछ अनवांटेड चेंजेस, जैसे कि दीपक हुड्डा ने ओपनिंग की, जो कि वे बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, तो ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ थोड़ी बहुत हमारी मिस्टेक हुई, पर वो एक हमारी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। तो चलिए आज के मैच की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि अगर आपको आगे के आने वाले मैचेस की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर जाते जाते आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, अगर आपको फाइनल टीम और टॉस अपडेट की जानकारी चाहिए तो आपको जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम की, उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ आपको फाइनल टीम मिलेगी अगर कोई चेंजेस होता है तो। तो अगर हम आज के मैच की बात करें, जो कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में खेला जाएगा, जो कि T20 है इस सीरीज का। पिछला मैच इंडिया ने जीत लिया था बहुत आसानी से। तो ये मैच 28 तारीख को खेला जाएगा शाम को 9 बजे, जो कि आज है, और स्टेडियम पिछला वाला सेम ही रहेगा, द विलेज स्टेडियम डबलिन का। तो अगर मैं आगे बात करूं, तो यहां से अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है यहाँ पे। पिछले मैच में भी जैसा आपने देखा के लगभग मैच बारिश से धुल ही गया था, पर फिर भी बारिश ने थोड़ा मौका दिया और 12 ओवर का ही मैच हो सका। तो अगर आज के वेदर फोरकास्ट की हम बात करें, तो जो weather.com की आप, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं। अगेन हमारे लिए एक बुरी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे 100% चांस है पानी गिरने के। और अगर इसमें से हम कुछ देखें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिन, ये जो 100% चांसेस है वो दिन के बारिश के हैं, और अगर रात की बात करें जब मैच होगा उस टाइम सिर्फ 10% चांसेस है। तो हम आशा करेंगे और प्रे करेंगे कि आज पूरा मैच हो सके। तो और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, तो यहाँ 87% रहने वाली है, तो काफ़ी गर्मी होगी। और अगर हम स्टेडियम के व्यू की बात करें, तो एक ये है वही स्टेडियम है जिस पिछला जिस पे फर्स्ट T20 खेला गया था। ये खुला खुला मैदान है, और यहाँ पे हवाएं भी अच्छी खासी चलती है, जिससे फास्ट बॉलर को स्विंग आप मिलता है, जैसा कि आपने पिछले मैच में देखा था। भुवनेश्वर कुमार की गेंदे खेल ही नहीं पा रहे थे उनके ओपनर, और बहुत जल्दी विकेट दे के चले गए। माफ कीजिएगा, अगर आगे हम ग्राउंड स्टेट्स की बात करें, तो अभी तक यहाँ पे 19 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 7 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 12 मैच जीत चुकी है। तो यहाँ पे बैटिंग सेकंड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें, तो यहाँ पे हमें अराउंड 150 के अराउंड एवरेज स्कोर दिख सकता है। और अगर हम पिछले 5 मैचों की बात करें दोनों टीमों के बीच में, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आसानी से इंडिया ने तीनों में तीनों के चारों सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे 4 मैच इंडिया ने जीत चुके हैं बहुत आसानी से। इसमें ये जो है, ये पिछला फर्स्ट T20 है जो इस सीरीज का खेला गया था। और अगर हम आगे बात करें दोनों के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ से इंडिया का अच्छा फॉर्म जा रहा है। अगर हम कुछ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 T20s को छोड़ दें, तो यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छे फॉर्म में है। और अगर हम आयरलैंड की बात करें, तो ये पिछले दोनों मैच हार चुकी है और उसके पहले के तीनों मैच जीत चुकी है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो आयरलैंड का एवरेज फॉर्म है, ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, तो देखते हैं आज क्या होता है।
और अगर हम प्लेइंग इलेवन की बात करें तो प्लेइंग इलेवन लगभग सेम ही रहने वाली है। हो सकता है इंडिया कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई कर ले, क्योंकि यह आखिरी 2020 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इंडिया चाहेगी तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की जगह संजू सैमसन खेल सकते हैं। और अगर नीचे हम बात करें तो अक्षर पटेल, जिनका फॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनकी जगह बिश्नोई भी आ सकते हैं। बाकी टीम लगभग वही रहने वाली है, और अगर कोई चेंजेस होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए आप जाके डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आयरलैंड की हम बात करें तो यहाँ से अगर ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पे पॉल स्टिरलिंग, जिनका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है, पिछले कुछ मैचों से ये रन बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं, अपना विकेट देके बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो हम इनको टीम से शायद ही आज रखें। और एंडी बार्बलिन की बात करें तो ये, इनका भी एवरेज परफॉर्मेंस है, ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। और अगर हम जो डेनली की बात करें तो ये पिछले मैच में भी रन बनाने में असफल रहे थे। और फिर हम अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, हैरी टेक्टर, जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, जहां इन्होंने अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया था, जहां इन्होंने अपनी अराउंड 51 या 55 के अराउंड कुछ रन मारे थे और अच्छा खेले थे, तो हम इनको टीम में जरूर रखेंगे। और अगर नीचे बात करें तो ल्यूक्रेन टकर, जो पिछले मैच में अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, पर अगर संजू सैमसन नहीं खेलते तो हमें इनको विकेट कीपिंग सेक्शन में लेना ही पड़ेगा। और अगर नीचे बात करें, जो डोकरेल आते हैं उनके बाद मार अडेर आते हैं, और एंडी, अगर एंडी मैकब्रेन की बात करूँ तो ये एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो अगर ये हमारे आज जीएल पिक बन सकते हैं तो आप इनको जीएल में ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने इनके कुछ पिछले मैचेस के स्टेट्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे खेलते हैं। और अगर क्रेग यंग की बात करें तो जैसा कि पिछले मैच में आपने देखा था, अच्छे खासे विकेट निकाल गए थे, अराउंड 2 विकेट निकाले थे इनने, तो अच्छी बॉलिंग करते हैं। और अगर फिर नीचे आते हैं जोश लिटिल, और उसके बाद पिछले मैच के डेब्यूटेंट कोनोल और फेट। थैंक यू।